संजय गांधी अस्पताल रीवा में रिजिड वीडियो ब्रोंकोस्कोपी विधि से पहली बार सफल सर्जरी कर कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस अत्यंत जटिल ऑपरेशन को ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के नेतृत्व में अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि अब इस प्रकार की सर्जरी संजय गांधी अस्पताल में आसानी से हो सकती है और ऐसे मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनका समय और धन दोनों बचेगा। ऑपरेट किए गए बच्चे की हालत अब पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर से मिली जानकारी के अनुसार सतना जिले के ग्राम पंचायत विधुई खुर्द निवासी ऋतिक साकेत पिता राजकुमार साकेत उम्र 14 माह ने मूंगफली के कई दाने निगल दिए थे। मूंगफली के दाने उसकी श्वास नली में जाकर अटक गए, जिससे उसको श्वास लेने में दिक्कत हुई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। अत्यंत गंभीर हालत में उसको 16 अगस्त को संजय गांधी अस्पताल रीवा लाया गया, जहां उसको बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया। बच्चे की लगातार बिगड़ती हालत को देखकर उसे डॉक्टर अशरफ के पास रेफर किया गया, जहां डॉक्टर अशरफ ने बच्चे की श्वास नली में ऑपरेशन का निर्णय लिया। उन्होंने इस सर्जरी के लिए खुद सहायक सामग्री का इंतजाम किया और 18 अगस्त को बच्चे का रिजिड वीडियो ब्रोंकोस्कोपी विधि से सफल ऑपरेशन कर श्वास नली से मूंगफली के दानों को निकाल कर बाहर किया, जिससे मासूम बच्चे की जान बच पाई। बच्चे के पिता राजकुमार ने बताया कि उनका बेटा अब पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं देवकी साकेत, ये मेरे पति राजकुमार साकेत, ये मेरा बच्चा ऋतिक साकेत। मैं विधुई की रहने वाली हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट सतना लगता है। मैं पोहा बनाई थी, पोहे में मूंगफली डाली थी और मेरा बच्चा खा गया था। उसको खाने के लिए दी थी तो ये ऋतिक साकेत खा लिया था और खाते खाते इसे खांसी आई। खांसी आते समय इसकी मूंगफली अटक गई और ये मुझे नहीं पता कि कहाँ अटक गई। और मैं इसे गांव के डॉक्टर के पास ले गई इलाज कराने। उसने विक्स इसे सुंघा दिया और विक्स सुंघाया तो इसका हकरा बढ़ गया और हकरा चलते चलते मैं एक दिन घर में इंतजार थी। उसके बाद डॉक्टर को दिखाई रीवा सरकारी में, फिर डॉक्टर को दिखाई तो इसे डॉक्टर ने इसका इलाज किया। इलाज करते करते ये 2 दिन ठीक था और 2 दिन के बाद फिर से उसी तरह इसका हकरा चलने लगा। अब फिर मुझे सर डॉक्टर ने संजय गांधी को रेफर किया। फिर हम संजय गांधी आए और संजय गांधी में भर्ती हुए। इसको लेकर इस बच्चे को भर्ती करवाया 16 तारीख को। फिर डॉक्टर ने लिखे इसका सीटी स्कैन करने के लिए। सीटी स्कैन कराया तो इसे पता चला कि इसके गले में अटकी हुई है सांस की नली में। फिर उसे लेकर आए वहां से। फिर डॉक्टर देखे वो सीटी स्कैन और सीटी स्कैन देखकर बोले कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर 18 तारीख को इसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन लिए ऑपरेशन इसका सक्सेसफुल रहा। नाक कान गले विभाग मोहम्मद अशरफ सर ने इसका इलाज किया। अब वे बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है पहले से। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।